मोमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है। ट्वीट होता है कि मैं आने वाले रविवार को सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन तमाम चीज़ों को अलविदा कह दूंगा। अब मैं इन सब चीज़ों पर नहीं दिखाई दूंगा, इन ऐपों को और सोशल मीडिया से दूर अलग ही रहूंगा और मैं इनका इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। उसके बाद माहौल गर्मा गया। हर कोई ट्विटर पर हैशटैग नो सर करके ट्रेंड करने लगा कि कुछ लोग अभी भी मोदी को ये कहते हैं कि आप मत जाइए, आपकी वजह से हम हैं, और कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए भी नजर आए। लेकिन हमें यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी का ऐसा कहना ठीक नहीं लगा। क्या वो कुछ एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए ऐसा कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर वो सोशल मीडिया से अलविदा कहना चाहते हैं तो आराम से भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे सस्पेंस बना के किस तरीके से जा रहे हैं कि रविवार को मैं सोशल मीडिया से अलविदा कह दूंगा और कुछ और करता हुआ नजर आऊंगा। ये यहाँ पर सबके दिमाग में चल रहा है कि और क्या कुछ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया से अलग होना किसी भी मुद्दे का हल नहीं है। सोशल मीडिया जितना सकारात्मक सोच को प्रकट करना होता है, उतना ही अपने भाव को भी दिखाना होता है। सोशल मीडिया के जरिए ही आप सभी जानकारी लेते हैं कि तमाम देश में क्या चल रहा है, कौन कहाँ आ रहा है या क्या चीज आप कर सकते हैं। तमाम चीजें सोशल मीडिया पर होती हैं। लेकिन सोशल मीडिया से अलविदा कहना कि आप सोशल मीडिया की तौहीन कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें नकारात्मक विचारों को प्रकट किया जाता है, इसलिए मैं इससे अलविदा कह रहा हूँ। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं और सांसद हैं शशि थरूर सामने आए हैं और उन्होंने इनके इस ट्वीट को लेकर पलटवार किया है। शशि थरूर ने कहा है कि यहाँ पर सोशल मीडिया एक सकारात्मक सोच को उत्पन्न करना होता है, प्रकट करना होता है, लोगों तक पहुँचाना होता है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी अगर सोशल मीडिया से अलग जाने की बात कर रहे हैं तो क्या वो इस सोशल मीडिया को गलत ठहरा रहे हैं कि यहाँ पर उनकी आलोचना हो रही है तो वो सह नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर उनकी कमजोरियों को दिखाया जा रहा है और उनकी लापरवाही को दिखाया जा रहा है। इन बीते दिनों जो हिंसा हुई थी तो उसको लेकर क्या डर गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी? इतने कमजोर हैं कि सोशल मीडिया को अलविदा कहने के लिए तक तैयार हैं, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है इसलिए वो अलविदा कह रहे हैं। ऐसा सब कुछ बोलते हुए यहाँ पर शशि थरूर सामने आए। उन्होंने ये भी कहा कि क्या इन सब उपकरणों को लेकर, इन सब तमाम जो सोशल मीडिया को खत्म करने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते नजर आए कि यहाँ पर आप सोशल मीडिया से अलविदा क्यों कह रहे हैं, आप अपना इस्तीफा दीजिए या आप जवाब दीजिए कि इतने दिनों में जो हिंसा भड़की है उसको लेकर और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, जो बदलाव को लेकर आप सामने नहीं आते, उन मुद्दों पर बात कीजिए। सोशल मीडिया से अलविदा कहना कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसे सस्पेंस में देना, आप क्या साबित करना चाहते हैं ये अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? सोशल मीडिया से अलविदा कहना पीएम नरेंद्र मोदी का क्या संकेत देता है, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज़।